064 सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे चार पैरामीटर हैं जो कि हमें इसको एडजस्ट करना है। नंबर वन तो ये एमिंग बीम की हम इंटेंसिटी सेट करते हैं तो मैक्सिमम पे ही रख लेते हैं ताकि एमिंग बीम हमारे पास मैक्सिमम आए। हम इसको कम कर देंगे तो नहीं आएगी। फिर उसके बाद एनर्जी कितनी रखनी और स्पॉट साइज। स्पॉट साइज यहाँ पे 10 mm शो हो रहा है। इसका जो स्पॉट साइज है वो वेरिएबल है यहाँ से। ये अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से पकड़ के 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो आपने स्पॉट साइज रखना है वो स्पॉट साइज रखें। ठीक है। इसके बाद आपने हर्ट्स करना है कि कितनी आप उसके हाउ मेनी नंबर ऑफ पल्स वी वांट इन वन। ठीक है। ये 1 से 10 तक इसको आप क्लिक करेंगे, 10 तक के 10 हर्ट्ज तक के जा सकते हैं। ठीक है। द मोर हर्ट्स यू आर देयर द फास्ट इज द मशीन। ठीक है। अच्छा, एक शॉट में कितने हर्ट्ज हिटिंग है कि आप कितना एक टाइम में हिट कितनी मरतबा हिट करना चाहते हैं। ठीक है। द जूस को एनर्जी तो आप जितनी रखना चाहो, स्टार्ट विद द मिनिमम पॉसिबल। आई थिंक इट गोज अप टू 2600 आई थिंक 2000 स्टार्ट विद द मिनिमम। ये स्पॉट साइज है, ये रेपिटेशन पल्स रेट है, ये इसके वो है। ठीक है। देन यू प्रेस रेडी बटन। दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर 106। सेम प्रिंसिपल, अगर आपने 106 बोर्ड के बाद इसको स्टैंड बाय मोड पे पहले देख रहे हैं, फिर वापस लेके जाएंगे। फिर 755 में भी वही चीज़ है, एनर्जी है, हर्ट्ज़ है। ये वेव लेंथ है और जो वेव लेंथ है हम वो डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डार्कनेस। कल उसका वो पैरामीटर सामने बिल्कुल ठीक है। देन ऑब्वियसली स्पॉट साइज, बाकी तो पैरामीटर इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। एंड देन यू वेट। आगे की को देखें। अब ये 4 पे किया तो अब कम कर रहा है, वो जो उसकी हिटिंग स्पीड है वो कम होगी। वो कम होगी। एंड देन आप दोबारा इसके स्टैंड पे जाके जाएंगे और बैक पे जाएंगे तो 530 सबसे थोड़ा है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले ये कलर इसका चेंज होगा, जो पैरामीटर चेंज होगा इसका कलर चेंज होगा। ये हम ये अप टू 100 जा सकती हैं या अप टू कितने 100 है? 2000। ओके ठीक है ना, बट यू नीड टू स्टार्ट विद मैक्सिमम 100। ठीक है। यू कांट गो बियॉन्ड दिस अदरवाइज आप। ये क्या 2 हर्ट्ज का लिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसकी स्पीड दिस इज ग्रीन, वो बहुत तेज होगा। सो दैट्स इट।